सतवास नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं पार्षदों ने परिषद के अधिकार वापस देने के संबंध में तहसील परिसर में पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सतवास तहसीलदार प्रियंका चौरसिया को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ग्राम पंचायत सरपंचों की भांति नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषदों को भी उनके अधिकार वापस दिए जाए अथवा नगर निगम पालिका नगर परिषदों के चुनाव कराए जाए। ज्ञापन देने के दौरान सतवास नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि वहीद खां सदर सहित पूर्व पार्षद उपस्थित थे। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। नगरपालिका सतवास से ज्ञापन आया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कि जिस तरह सरपंचों को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें भी अधिकार दिए जाए या फिर नगरपालिका का चुनाव कराया जाए। अभी आपके द्वारा किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? हमने नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के मामले में ज्ञापन दिया गया है कि बद्ध शासन या तो चुनाव कराए या फिर आज हमने ज्ञापन दिया है कि या फिर हमको हमारा अधिकार वापस दिया जाए। जैसे सरपंचों का 3 बार अधिकार दे दिया गया है वैसे ही हमें अधिकार दिया जाए या फिर हम चुनाव कराएं मध्य प्रदेश शासन। हमारा संगठन का आह्वान है कि संगठन पूरा मध्य प्रदेश के अंदर नगरी प्रशासन मंत्री के आगे, मकान के आगे, बंगले के आगे धरना आंदोलन चल रहा है या हमें कोई आंदोलन के कारण मजबूर न करे या हमने जो विकास किया है जनता हमसे पूछती है कि भाई आपका अधिकार आपको क्यों नहीं मिला या तो हमारे साथ स्वतंत्र व्यवहार नहीं किया जाए। हम मुख्यमंत्री को आज हमने ज्ञापन दिया तहसील में आकर कि हमारा अधिकार वापस दिया जाए या फिर चुनाव कराए। चुनाव को 3 साल हो गए, जनता बहुत परेशान हो रही है। आवास योजना के पैसे नहीं डाले जा रहे हैं, हमने जो रोड के निर्माण किए वो रोड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में हमने नर्मदा का पानी लाया, वो पानी की सप्लाई पूरी पूरे नगर 15 वार्डों में नहीं हो पा रही है। हम इसलिए विकास चाह रहे हैं कि भाई विकास हो, नई पार्टी बैठे, नया विकास हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।